Hi everyone, this is Disha and welcome back to my channel. So in this video, we will be discussing about backlogs and how to cover them. So what is a backlog? Backlog is a work that you have not done yet, but by that time it should have been done. मतलब ऐसा कोई काम जो उस टाइम तक हो जाना चाहिए था पर आपने नहीं किया है वो बैकलॉग हो गया. तो बैकलॉग्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है और एक ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है. बैकलॉग्स को कवर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके और बैकलॉग्स इकट्ठे ना हों. आज का काम आपको आज ही ख़त्म करना है. रूटीन का काम में आपको एक रूल बना लेना है कि आज का काम आज ही होना चाहिए, तो आपके क्या है और बैकलॉग्स इकट्ठे नहीं होंगे. तो फिर आप अपने पिछले बैकलॉग्स को कवर करने का सोच सकते हो. उसके लिए मैंने क्या किया था, क्योंकि जो मेरे प्लस वन के बहुत बैकलॉग्स हो गए थे उनको मैंने प्लस टू में आके कवर किया था. उसके लिए मैंने अपना टाइम फिक्स कर लिया था कि मुझे सुबह के 2 या 3 घंटे और रात को 1 या 1.5 घंटा प्लस वन ही पढ़नी है. और प्लस टू के काम में मैंने रूल बना लिया था कि अब कोई बैकलॉग इकट्ठे नहीं होने देना है. तो अगर आप भी ऐसा ही करोगे तो आप बैकलॉग को कवर कर सकते हो. आपको अपने शेड्यूल में से कुछ घंटे फिक्स करने होंगे बैकलॉग्स के लिए, और नए बैकलॉग्स हमने इकट्ठे होने नहीं देने हैं. इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे टॉपिक्स कवर होने लग जाएंगे. और हमें डरना नहीं है, हमें डिप्रेस्ड नहीं होना, हमें ये नहीं सोचना कि कब ख़त्म होगा कैसे होगा, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना. हमें मोटिवेटेड रहना है, हमें नेगेटिविटी से बचना है. हमें ऐसा बिल्कुल भी सोच के डरना नहीं है कि ओ इतना सारा पड़ा है ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा. सब कुछ हो सकता है अगर आप करोगे, अगर आप करोगे तभी होगा. और हमें एक बात को याद रखना है कि हमारे बैकलॉग्स एक दिन में कवर नहीं होंगे, बट एक दिन ज़रूर कवर होंगे अगर हम लगे रहेंगे. तो इसलिए हमें अपने वर्क के ऊपर लगे रहना है. हमें इधर उधर के बारे में कुछ नहीं सोचना, बस लगे रहना है. अगर हम लगे रहेंगे, अपने टाइम टेबल को अच्छी तरह फॉलो करेंगे, बैकलॉग्स का एक टाइम फिक्स कर देंगे और नए बैकलॉग्स इकट्ठे नहीं होने देंगे, देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर द बैकलॉग्स. थैंक यू.